हे फ्रेंड्स, राजेश हियर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है पोको F3 GT और फाइनली जो है पोको F3 GT के यूजर्स के लिए एक नया अपडेट जो है रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि है MIUI का 13.0.3.0 स्टेबल वर्जन। एंड्रॉइड 12 के साथ आपको देखने को मिलता है। एंड सिक्योरिटी पैच जो है अभी भी आपको इसके अंदर 1 मई 2022 का यहाँ पे देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और कब तक जो है ये अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि एक नया अपडेट जो है इस टाइम पे रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट जो है ये अपडेट जो है पायलट टेस्टर्स को देखने को मिला है। मे बी आज शाम तक या ये 2-3 दिन तक आपको ये स्टेबल अपडेट अपने फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि है MIUI 13 का 13.0.3.0 वर्जन, 1 मई 2022 के सिक्योरिटी पैच के साथ आपको देखने को मिलता है। अगर चेंज लॉक की बात की जाए तो मैं चेंज लॉक आपको दिखा देता हूँ कि चेंज लॉक में क्या चीज़ें मैंशन की है। तो चेंज लॉक मेंशन किया है अपडेट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच टू May 2022 एंड इंक्रीज्ड सिस्टम सिक्योरिटी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लास्ट टाइम जितने भी अपडेट मैंने अब तक इंस्टॉल किए हैं, उन अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद फ़ोन थोड़ा सा हीटेड होता था और थोड़ी देर तक फ़ोन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी मुझे लो देखने को मिलती थी, जब तक सारे बैकग्राउंड एप्लीकेशन जो है फुली ऑप्टिमाइज नहीं हो जाते। बट इस अपडेट में मुझे ऐसे देखने को नहीं मिला है। जैसे ही मैंने OTA अपडेट को इंस्टॉल किया, फोन मुझे कोई हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिला है। परफॉर्मेंस एज इट इज़ वैसे ही है। लॉन्चर अभी आपको पुराना ही देखने को मिला है। बट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस टाइम पे हम अपने फोन के अंदर जो है पोको का 4.0 का जो लेटेस्ट लॉन्चर है उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सेटिंग्स में आप इसके एनिमेशन स्पीड्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसको अपने फोन में यूज़ करना चाहते हैं तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात की जाए, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि कहीं फ़ोन तो नहीं डेड हो जाएगा, ये कैमरा तो नहीं हमारा डेड हो जाएगा। सच है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कैमरा जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, चाहे वीडियो मोड हो चाहे प्रो मोड हो, सारे के सारे चीज़ जो है परफेक्ट तरीके से काम करती हुई आपको मिल जाती है। इवन जो फ्रंट कैमरा है वो भी आपको यहाँ पे परफेक्ट तरीके से काम करता हुआ मिल जाता है। ये देखिए, फ्रंट कैमरा भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पे काम करता हुआ मिल जा रहा है। तो कैमरे में सच्चे से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, सारे के सारे फीचर्स आपको वही देखने को मिलते हैं। अगर फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स आपको कोई भी एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ बग्स फिक्स किए गए हैं और कुछ फोन के अंदर जो इंप्रूवमेंट्स की गई हैं वही आपको देखने मिलेगा। बट एक चीज़ जो मैंने इसके अंदर नोटिस की है कि अगर अपने फोन के थीम सेक्शन में जाते हैं और अपने प्रोफाइल के पेज पर जाते हैं, तो अब आप देख पा रहे होंगे जो प्रोफाइल पेज है उसका UI जो है यहाँ पर चेंज कर दिया गया। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, क्या पता UI पहले से ही, बट मुझे ये UI जो है बिल्कुल नया देखने को मिला है। और इसके अंदर जो है हम जो आइकन पैक यूज़ कर रहे हैं वो है हेलो फ्यूचर आइकन पैक, जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके के एनिमेटेड आइकन्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी सच्चाई सारी चीज़ें एज इट इज़ वैसे ही हैं। आपको इसके अंदर लॉन्चर जो है अभी पुराना ही देखने को मिला है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया मैं पोको 4.0 का लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ। आपको कंट्रोल सेंटर भी अभी यहाँ पे पुराना ही देखने को मिलता है। जो नया कंट्रोल सेंटर है मे बी वो आपको MIUI 13.5 के साथ ही आगे चल के देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस अपडेट के ऊपर हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको अपने फोन के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले। ओवरऑल देखा जाए तो मेजर चेंजेस कोई नहीं है, वही आपको गूगल का ही डेलर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सिर्फ बग फिक्स किए गए हैं और इंप्रूवमेंट की गई है। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि लास्ट टाइम की तरह जो है फ़ोन इस टाइम पे हीट नहीं हुआ है जब हम फ़ोन को अपडेट करते थे। अगर आपको अपडेट करने के बाद कोई बग्स वगैरह फेस होते हैं तो बैकअप लेके अपने फ़ोन को रीसेट एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद जो है मोस्टली सभी प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाती हैं। बैटरी का पैनल एज इट इज़ वैसे ही आपको स्लाइडर वगैरह इसके अंदर मिल जाते हैं, बाकी ट्रिगर के ऑप्शन वगैरह सारे एज इट इज़ वैसे ही आपको मिलते हैं, जैसे स्पेशल फीचर्स में आपको साइड बार मिल जाता है। ये सब चीज़ें आपको एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये अपडेट देखने को मिलता है तो आप इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लें, क्योंकि मुझे जहाँ तक देखने को मिला है अभी तक मुझे सच्चे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली है, कोई भी लैग या स्लेटर देखने को नहीं मिला। इवन जो है हमारा फ़ोन जो है जो हीट होता था अपडेट करने के बाद, वैसा भी मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि ये अपडेट जो है इस टाइम पे बीटा टेस्टर्स के लिए स्टार्ट हुआ है, बट आज शाम तक या फिर 2 या 3 दिन के अंदर आपको ये अपडेट जो है अपने फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो बस आज का ये वीडियो इसी के ऊपर था कि फाइनली जो है पोको F3 GT यूजर्स के लिए एक नया अपडेट जो है पोको की तरफ से रोल आउट कर दिया गया है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉइड 12 के साथ। और बट सिक्योरिटी पैच अभी भी आपको 1 मई का यहाँ पे देखने को मिला है, इवन जुलाई इस टाइम पे आपके आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।